और अब बात बंगाल की। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी हमलावर रहेगी। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं और इस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से वो इस मामले पर मुलाकात भी कर सकते हैं। बीजेपी जोर शोर से विधानसभा में मुद्दा उठाएगी। आपको बता दें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि चुनाव बाद 25 लोगों की हत्या हुई, 7000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ और 15000 हिंसा की घटनाएं हुई। टीएमसी हालांकि इसे सियासत बता रही है। तो कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले आज दिल्ली में यह अहम बैठक हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में मौजूद है। जो टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावों के बाद भी, अब ऐसे में हालात किस दिशा में जा रहे हैं ये एक बड़ा सवाल। लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, जिस तरह से मानवाधिकार आयोग की जो टीम गई पश्चिम बंगाल जांच के लिए, उसके साथ जो बर्ताव हुआ उसके बाद एक बार फिर ये मुद्दा गर्माने लगा है कि क्या ममता बनर्जी किसी भी दूसरी एजेंसी को राज्य में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आने देना चाहती हैं। দেবাঞ্জনগুলো ওরাই পুট করছে, ওদের কাছেই লিস্টটা আছে। বিজেপি অফিস রেড করলে দেবাঞ্জনদের লিস্ট পাওয়া যাবে, কারণ ওদের প্ল্যান ছিল পশ্চিমবঙ্গকে ধনে প্রাণে মারবো, ভ্যাকসিন না দিয়ে মারবো, 8 দফা ভোট করে মারবো, সিআরপি দিয়ে মারবো, লাস্টে কিছু না পারি ভ্যাকসিন, জাল ভ্যাকসিন দিয়ে মারবো। আমরা ওনার অনেক নাটক দেখেছি। পশ্চিমবাংলার রাজনীতির যে জোকার আছে কয়েকজন, যারা আনন্দে তার মধ্যে উনি একজন। সেন উনি কী বলছেন, পশ্চিমবাংলার লোক কোনো গুরুত্ব দেয় কি? তখন কি উনি ঠিক ছিলেন, রাত্রে বলেছেন নাকি দিনে বলেছেন? যে না, মদন মিত্রকে নিয়ে খুব একটা কেউ চিন্তা ভাবনা করে না। কি বলছে আমরা জানি, এটাই হবে শেষে, যে বিজেপির দিকে ঘোরানোর চেষ্টা হবে। ফিলহাল ব্রেক কে লিয়ে ফরেন লটিং কি ওর খবরোঁ কে সাথ দেখতে রহিয়ে আজ তক।